नमस्कार, मैं हूँ सुरेश तिवारी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ऑनली न्यूज नेशन पर। पाकिस्तान से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान की सड़कों पर इस वक्त तबाही मची हुई है। जी हाँ, भगदड़ मची हुई है। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ की नियुक्ति के बाद ही पाकिस्तान के सामने एक बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई है, और वो मुसीबत है पाकिस्तान की ही प्रतिबंधित संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान। जी हाँ, टीटीपी ये वही संगठन है जिसको पाकिस्तान ने पाला पोसा बड़ा किया। पाकिस्तान के कट्टरपंथ की पैदाइश है टीटीपी, और इसी कट्टरपंथ की पैदाइश ने पाकिस्तान की ही धज्जियां उड़ा दी हैं। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान के कट्टरपंथी सोच की वजह से आज खुद पाकिस्तान मारा मारा फिर रहा है, और पाकिस्तान की जनता मुसीबत के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है। पाकिस्तान में प्रतिबंधित संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सरकार के साथ जंग छेड़ दिया है। उनके खिलाफ एक ऐसा बिगुल बजाया है जिसकी आवाज शहबाज शरीफ के कानों में घर बनाए हुए हैं। बता दें कि पाकिस्तान सरकार के साथ हुए टीटीपी के डील अनिश्चितकालीन संघर्ष विराम को टीटीपी ने खुद 28 नवंबर को खत्म कर दिया है। यानी कि टीटीपी और पाकिस्तानी फौज के बीच में जो संघर्ष विराम लगा हुआ था वो खुद टीटीपी ने अब खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया है। जिसके बाद टीटीपी ने अपने लड़ाकों को सीधा सीधा आदेश दिया है कि वह पूरे पाकिस्तान में जबरदस्त हमले करें। टीटीपी ने कहा कि खैबर पख्तूनवा प्रांत के पन्नू और लक्की मरवत क्षेत्रों में लगातार पाकिस्तानी सेना की ओर से हमले किए जा रहे, जिसके बाद सरकार के साथ युद्ध विराम को समाप्त करने का यह बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे में पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ मुल्ला आसिम मुनीर को यह सीधी धमकी है, और उनके लिए यह एक बड़ी बड़ा टास्क है जिसको कंप्लीट करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको पाकिस्तान, और दिखाते हैं टीटीपी के इस बयान और इस आदेश के बाद से कैसे पाकिस्तान में तबाही का मंजर छाया हुआ है, और कैसे एक तरफ जो पाकिस्तान सरकार अपने खेमे में हो रही सियासत को नहीं संभाल पा रहा है, अब वो अपने द्वारा ही पाले गए इन आतंकियों के बगावत को कैसे संभालेगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, कमेंट करके पाकिस्तान के इन हालातों का जिम्मेदार कौन है? क्या सही में पाकिस्तान के इन हालातों का जिम्मेदार टीटीपी को मानना चाहिए, या फिर खुद उसी पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी सरकार को मानना चाहिए जिन्होंने टीटीपी जैसे संगठनों को पैदा किया है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अब पाकिस्तान में करेंगे जवाबी हमले। जी हाँ, टीटीपी की तरफ से ये एक बड़ा बयान आया। टीटीपी एक आतंकवादी संगठन है, इसका उद्देश्य पाकिस्तान में इस्लाम के कट्टरपंथ को लागू करना है। टीटीपी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार की ओर से कई बार संघर्ष विराम के उल्लंघन के बारे में चेतावनी दी गई थी, लेकिन हम लोग ने इसे और कोई ध्यान नहीं दिया। हम चाहते थे कि युद्ध विराम का उल्लंघन हमारी ओर से ना हो। टीटीपी ने कहा कि सेना और खुफिया एजेंसियां लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रही थी। अब हमारी ओर से भी पूरे पाकिस्तान में जवाबी हमले किए जाएंगे, और पाकिस्तानी सरकार को दिखाया जाएगा कि आखिर हमसे धोखा करने का अंजाम क्या होता है। ऐसे में इस पूरे के पूरे मामले पर पाकिस्तानी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। पाकिस्तानी सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही। चलिए आपको दिखाते हैं, टीटीपी के इस एक्शन के बाद पाकिस्तान सरकार ने चुप्पी साध ली है। उसकी ओर से अभी तक किसी भी प्रकार की इस बयान पर प्रक्रिया नहीं आई है। इसके साथ ही खुफिया एजेंसियों की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं जारी किया गया। दरअसल टीटीपी ने जून में पाकिस्तान सरकार के साथ युद्ध विराम की घोषणा की थी और इस डीड पर साइन किया था। इस बीच कई बार पाकिस्तानी सेना पर हमला किए गए, हालांकि इन हमलों की जिम्मेदारी टीटीपी ने कभी नहीं ली, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी सेना ने इसका जिम्मेदार टीटीपी को ठहराया और टीटीपी पर एक्शन लेना शुरू किया है। इससे खफा होकर टीटीपी ने अब
एक बड़ा कदम उठा लिया है। आपको बता दें कि बिलावल भुट्टो को पहले से इस बात का डर सता रहा था। जी हाँ, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को पहले से ही इसका डर सता रहा था। इन्होंने इस महीने की शुरुआत में सरकार से टीटीपी संगठन से निपटने के लिए अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने का आह्वान किया था। हालांकि उनका डर सच साबित हुआ और अब टीटीपी जैसे आतंकी संगठन ने पाकिस्तान में खुलेआम हमले करने की धमकी देकर पाकिस्तानी सरकार की नींद उड़ा दी है। इतना ही नहीं, वह अपने लड़ाकों से कह रहे हैं कि वह पाकिस्तान में जहां भी चाहें, जहां उनका मन करे, वहां बम फोड़े, वहां हमला करें, जितना चाहे उतना क्षति पहुंचाए। ऐसे में यह कोई नई बात नहीं है, पहले भी इन दोनों संगठनों के बीच, पाकिस्तानी सरकार और टीटीपी संगठन के बीच में बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। पाकिस्तान के अधिकारियों और टीटीपी के बीच बातचीत पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई थी, लेकिन बातचीत दिसंबर तक खत्म हो गई। इसी साल मई में बातचीत फिर से शुरू हुई, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। सितंबर में सेना और टीटीपी के बीच चल रहा संघर्ष विराम खत्म हो गया, जिसके बाद तालिबान के हमले एक बार फिर शुरू हो गए। ज्यादातर हमले डेरा इस्माइल खान टैंक दक्षिण वजीरिस्तान और उत्तरी वजीरिस्तान जिलों में हुए हैं। वहीं बातचीत का जब कोई हल नहीं निकला तो आखिरकार टीटीपी संगठन ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अक्टूबर में पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने खुलकर चेतावनी दी थी कि टीटीपी और पाकिस्तानी सरकार के बीच चलने वाली बातचीत साल भर से अधिक समय के बाद अब एक ठहराव पर आ गई है। इस बयान के बाद टीटीपी के खेमे में बेचैनी पैदा हो गई। मंत्रालय ने यह भी चेतावनी दी थी कि आतंकवादी गतिविधियां फिर से शुरू करने के लिए टीटीपी इस्लामिक स्टेट या हाफिज गुल के साथ हाथ मिला सकता है। इससे पहले विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरकार से कैसे टीटीपी को लेकर आग्रह किया था और उसके खिलाफ रणनीति बनाने के लिए कहा था, यह तो हमने आपको दिखाया है, मगर उसके बावजूद शहबाज शरीफ के कानों में जू नहीं रेंगा, और जिसका खामियाजा आज शहबाज शरीफ सरकार को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि 2007 में इस संगठन का टीटीपी का स्थापना हुआ था। टीटीपी को पाकिस्तान तालिबान के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 2007 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे पाकिस्तान में इस्लाम के अपने सख्त ब्रांड को लागू करना है। इसके साथ ही यह संगठन अलकायदा का करीबी है। पाकिस्तानी तालिबानी समूह जिसे अलकायदा का करीबी माना जाता है, उसको पूरे पाकिस्तान में कई घातक हमलों के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें 2009 में सेना मुख्यालय पर हमला, सैन्य ठिकानों पर हमले और 2008 में इस्लामाबाद के मैरियट होटल में बमबारी शामिल है। वहीं मलाला यूसुफजई पर 2012 में भी इसी संगठन ने हमला किया था। 2012 में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई पर टीटीपी ने हमला किया था। मलाला को गोली लगने के बाद पेशावर के सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिर आगे के इलाज के लिए लंदन ले जाया गया। टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यूसुफजई एक पश्चिमी सोच वाली लड़की है और इसी वजह से हमने इस पर हमला किया है। ऐसे में 2014 में भी इस संगठन ने 131 छात्रों समेत 150 लोगों को हत्या कर दी थी। ऐसे में अब इतने समय से जो युद्ध विराम टीटीपी और पाकिस्तानी सरकार के बीच चल रहा था, सेना के बीच चल रहा था, वो युद्ध विराम खत्म हो गया है, वो भी टीटीपी की तरफ से। और ये युद्ध विराम खत्म होते ही पाकिस्तानी सेना की चिंता बढ़ गई, और सबसे ज़्यादा अगर परेशानी किसी की बढ़ी है तो नए नवेले पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुल्ला आसिम मुनीर की। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तानी सरकार टीटीपी के इन हमलों से कैसे बचाव करती है और टीटीपी पर क्या एक्शन लेती है। इस पूरे खबर पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करेगा ताकि सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ ओनली न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।